हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार प्लेटो की रेसिपी। ये मेरे लिए किसी ने पार्सल भेजा था दिल्ली से, उसमें फ़िश और प्रॉन्स थे, तो मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपको फ़िश प्रॉन्स ऑर्डर करना है ऑल ओवर इंडिया, वो आपको वहाँ से भेज सकते हैं कुरियर के दौरान। और आप लोग सोचेंगे कि वो कैसे भेजेंगे, तो ये उनका हेडेक है, लेकिन वो आपको अच्छे से सर्व अपनी सर्विस कर सकते हैं, तो आप लोग उनसे मंगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि फ़िश है, और चिकन तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन फ़िश और प्रॉन्स हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो जहाँ अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ आप आराम से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, तो विद इन 2 डेज़ में वो डिलीवरी कर देंगे आपके यहाँ पर, और एकदम ही अच्छे तरीके से आपको डिलीवरी मिलेगी, फ्रेश ही होगा। तो ये लिया है मैंने बोल। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम दही, अगर आपको ये प्लेटर बनाना हो तो। अगर आपके पास जो भी फिश हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने डाला है इसमें चाट मसाला, और ये टिक्का मसाला, कोई भी ब्रांड का टिक्का मसाला ले लें। और ये है हमारा जीरा पाउडर, और उसमें कुटी हुई मिर्च है भुनी हुई, ये इसमें मैं ज़रूर डालती हूँ जब भी मैं कोई चिकन फ्राई या फिर फिश फ्राई बनाती हूँ। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे एक साथ अच्छे से। इसमें लेमन जूस डालेंगे, इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग डालिए आप। तो ये एक हमारा थिक सा अच्छा सा बैटर रेडी हो गया है, और इसमें हम अपना फिश प्रॉन्स और चिकन मिक्स कर देंगे। ये सबसे पहले हम प्रॉन्स लेंगे, मेरे तो फेवरेट हैं प्रॉन्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हम इसमें डालेंगे चिकन, इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गए हैं, इसमें अब हम डालेंगे फ़िश, इसको भी मिक्स कर लेंगे फ़िश को। ये सारी चीज़ें मिक्स इसमें हो चुकी हैं, और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे 4 घंटे के लिए। लेकिन मैं इससे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैं अभी इसमें मिक्स करने वाली हूँ, ये आप ना भूलें। और 4 घंटे हमारे हो चुके हैं, और पैन को हमने रख दिया था गर्म करने के लिए, और इसमें एक एक करके हम ये सारे पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा तेल गरम होगा। जिसे फ़िश नहीं पसंद है तो वो सिर्फ चिकन का भी टिक्का बना सकता है, जिसे चिकन नहीं पसंद तो वो फ़िश का टिक्का बना सकता है, जिसे प्रॉन्स पसंद है तो वो प्रॉन्स ओनली फ्राई कर सकता है। जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आप उनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, तो उनके पास में आपको कबाब की वैरायटी भी मिलेगी, चिकन के हलाल कबाब भी मिलेंगे आपको, और चिकन की सारी वैरायटी मिलेगी आपको, फ़िश की भी सारी वैरायटी मिलेगी आपको। तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर करके देखिएगा, वो इंडिया में बहुत सारी जगह डिलीवर करते हैं अपना, तो उन लोगों ने स्पेशली मेरे लिए भेजी थी ये चिकन, फ़िश और प्रॉन्स और कबाब ऑलरेडी जो थे वो आधे बने हुए थे, मैंने सिर्फ उसको फ्राई किया था। तो ये देखिए एक तरफ से फ्राई हो गया है, अब हमने दूसरी तरफ से इसे पलट दिया है, तो ये देखिए हमारा जो प्रॉन्स और चिकन है वो फ्राई थोड़े हो चुके हैं, अभी हमें थोड़ा डार्क कर लेते हैं, और ये देखिए डार्क हो गए हैं,
अच्छे से फ्राई, और इसे अब हम एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये ट्रांसफ़र इसे कर लिया है और ये प्लेटर भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसमें हमारे ये मटन कबाब हैं जो ऑलरेडी रेडीमेड थे और इसे मैंने सिर्फ फ्राई करके रखा था, और ये प्लेटर हमारा रेडी हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज़ुल्फ़िकार, ज़ुल्फ़िकार नाम है उनका, और उनका जो काम है वो भी उनके नाम से ही है, और उनका ऑनलाइन प्रॉपरली है। मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इसकी डिलीवरी चाहिए होगी तो आपको रेडीमेड चीज़ें भी मिल जाएंगी फ्रोज़न, ठीक है, और अगर आपको फ्रेश चाहिए होगा तो वो भी डिलीवर वो करा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरीके के प्लेटर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़। ओके, बाय बाय।